मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का नया सिस्टम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार 22 अगस्त से प्रदेश में तेज बारिश की संभावना जताई है। अगले चार दिनों के दौरान 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 24-25 अगस्त को 31 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिससे आज मुरैना, ग्वालियर, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और बड़वानी में तेज बारिश का अनुमान है। इसके अलावा इंदौर, रायसेन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, छतरपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर और शहडोल में भी तेज बारिश की संभावना है। 24 और 25 अगस्त को मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, टीकमगढ़ और सागर में हल्की मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं छतरपुर, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, भोपाल, सीहोर, देवास, शाजापुर, रायगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच और गुना में तेज बारिश का अलर्ट है। बड़वानी, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा सहित अन्य जिलों में भी हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 24 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण अगले चार दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगी।